Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra and now I'm going to describe you the topic floating and sinking. If we place a piece of cork and iron nail on the surface of water, आप क्या करेंगे? एक piece of cork लेंगे और एक iron nail लेंगे, surface of water पे रखेंगे. We notice that cork floats while the nail sinks. Now you will notice आप क्या करेंगे, जब आप एक piece of cork को और एक iron nail को आप surface of water पे रखेंगे, दोनों में से क्या हो जाएगा? कॉर्क फ्लोट करेगा जबकि जो नेल सिंक होगी, नेल वो आयरन की जो नेल होगी वो सिंक हो जाएगी. ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज डेंसिटी मैटर्स ना. सो बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस. किसकी डेंसिटी लेस है? कॉर्क की डेंसिटी लेस है देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. इसी वजह से जिसकी डेंसिटी, कॉर्क की डेंसिटी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर है, वाइल द डेंसिटी ऑफ आयरन ऑफ विच द नेल इज मेड अप ऑफ इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. किसकी डेंसिटी? आयरन नेल की डेंसिटी वाटर से ज्यादा थी, इसी वजह से वो सिंक कर गया, जबकि कॉर्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम थी, इसीलिए वो फ्लोट कर रहा है. अ बॉडी फ्लोट्स ऑन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. यानी तभी कोई बॉडी किसी भी लिक्विड पे फ्लो करेगी जब उसकी डेंसिटी लेस होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से. यानी A body floats on liquid if its density is less than the density of a liquid while a body sinks in a liquid. तभी वो body liquid में sink होगी जब उसकी density किससे ज्यादा होगी? Density of liquid से ज्यादा होगी. So I hope you will understand कि अगर water है और ice cube है तो अगर water की density क्या है? अगर water की density ज्यादा है तो ice cube float होगा, लेकिन अगर ice cube की density ज्यादा है तो ice cube नीचे आ जाएगा. What are the principle of flotation? ये हम जानेंगे. When a body immersed in a liquid, the following two forces act on. जब हम किसी body को immersed करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, तो उसमें दो force act करते हैं. The first one is the weight of the body, W, acting vertically downward. यानी एक ऐसा force जो vertically, जब कोई object आ रहा है तो वो vertically downward नीचे की तरफ लगाएगा तो vertically downward हो गया. This force has a tendency to sink the body. इस force vertically downward जो force act कर रहा है, इसके पास tendency होती है कि वो object को sink करे. Second है, the buoyant force of a liquid FB acting vertically upward. The buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed water. Immersed part of the body. यानी buoyant force, दूसरा force कौन सा है? Buoyant force of the liquid जो वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ, एक फोर्स ऐसा था जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, एक फोर्स ऐसा था जो आपका नीचे की तरफ डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, लेकिन जो बायंड फोर्स है वो लिक्विड को ऊपर की तरफ जो है फोर्स लगाता है. द बायंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. दिस फोर्स हैज द टेंडेंसी टू मूव द बॉडी अप. उस फोर्स उसके पास, इस फोर्स के पास टेंडेंसी टू मूव द बॉडी अप. इसके पास, बाइंड फोर्स के पास टेंडेंसी होती है कि ये बॉडी को ऊपर की तरफ भेज सके. दिस इज वाई बाइंड फोर्स इज कॉल्ड द अप थ्रस्ट. इसीलिए इसको अप थ्रस्ट कहा जाता है. जैसे हम किसी को अपने हाथ से ऊपर की तरफ उठाएं, उसी तरीके को फोर्स को बाइंड फोर्स कहा जाता है. दिस इज वाई बाइंड फोर्स इज नो ऑल्सो कॉल्ड एज अप थ्रस्ट. नाउ देयर कैन बी फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज. यहाँ पर अब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है. जस्ट लाइक क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे बीच में रहे. तो ऐसे तीन केसेस हो सकते हैं. फिर वो तीन केसेस कैसे कैसे होंगे, क्या होगा उनके अंदर डिटेलिंग, उसके बारे में वन बाय वन केस स्टडी करके देखेंगे. द फर्स्ट केस वन इज द वेट ऑफ द बॉडी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन द बायंड फोर्स एफ बी. यानी पहला जो आपका केस कह रहा है कि जो बॉडी होगी डब्ल्यू, उसका जो वेट होगा, उसकी वेट होगा वो ज्यादा होगा किससे? बायंड फोर्स से. सो In this case, the resultant force on the body is W minus FB, which acts downward. So this is showing that figure 2.7. This happens when the density of solid is greater than the density of liquid. ये आपने देखा, ये आपका एक कंटेनर टम्बलर है, टम्बलर के अंदर वाटर फिल है और इसमें आपने क्या लिया हुआ, एक ये ऑब्जेक्ट है या सॉलिड मान लीजिए, जिसको एक टुकड़ा है, मुझे अगर हम इसको किसी चीज का टुकड़ा मान सकते हैं जो सॉलिड है, अगर हम इसको इसमें आपने डाला तो सबसे पहला केस क्या हुआ, ये सिंक कर गया. सिंक क्यों किया? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. इसकी, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस लिक्विड वाटर की डेंसिटी से ज्यादा था, सो दैट इज वाई इट फॉल्स डाउन. हेयर आप देखिए,
एक फोर्स होता है जो नीचे की तरफ करता है, ये क्या हो गया, ये वेट ऑफ द बॉडी हो गया, ऊपर की तरफ एफ बी यानी कौन सा फोर्स है, बायंट फोर्स. सो व्हेन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड द बॉडी सिंक्स. अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी की लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी द बॉडी सिंक. नेक्स्ट वन द केस नंबर टू इज द वेट ऑफ द बॉडी W इज इक्वल टू द बायंट फोर्स एफ बी. वेट ऑफ द बॉडी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बायंट फोर्स के इक्वल होगा. तो जब इक्वल होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ जाएगा. द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो, तब क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो. द बॉडी विल फ्लोट जस्ट इन साइड द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. द बॉडी क्या होगी, विल फ्लोट कहां पर, विल फ्लोट जस्ट इन साइड द सर्फेस. यानी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कहां है, जस्ट इन साइड यानी सर्फेस से टच कर रहा है. दिस इज शोइंग दिस हैपन्स व्हेन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ये कब होगा, जब वाटर की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी के इक्वल होगा. तो दोनों का फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो. जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ जाएगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सर्फेस से बिल्कुल ही टच करता हुआ हल्का सा सरफेस से नीचे ऑब्जेक्ट आएगा और बिल्कुल सिंक नहीं करेगा और ना ही ऊपर रहेगा, जस्ट अप इन साइड द सरफेस. सो व्हेन द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड द बॉडी फ्लोट्स जस्ट इन साइड द लिक्विड सरफेस. उसके जस्ट लिक्विड के इन साइड द सरफेस के फ्लोट करता रहेगा वो. थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस कहता है द वेट ऑफ द बॉडी डब्ल्यू इज लेस देन द बायंट फोर्स. यानी जो वेट ऑफ द बॉडी होगा वो लेस होगा किससे, बायंट फोर्स से. सो इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज अपवर्ड. तो रिजल्टेंट फोर्स किसकी तरफ वर्क करेगा, अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ रहेगा. द बॉडी विल फ्लो इट पार्शियली अबव द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. यानी क्या होगा, द बॉडी विल फ्लो इट पार्शियली अबव द सर्फेस लिक्विड. ओनली दैट मच पोर्शन ऑफ द लिक्विड विल इमर्ज इन साइड द लिक्विड बाय विच द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड FB यानी बायंट फोर्स बैलेंसेज द टोटल वेट ऑफ द बॉडी. दिस इज शोन इन द फिगर 2.9. हियर द पिक्चर, दिस इज हैपनिंग व्हेन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दिस इज हैपनिंग व्हेन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. नाउ व्हाइल फ्लोटिंग FB इज इक्वल्स टू W, हियर अपेरेंट वेट इज जीरो. आप देख सकते हैं द बॉडी फ्लोट्स पार्शियली सबमर्ज. यानी आप देखिए ये सॉलिड है, इसका आधा भाग नीचे की तरफ है, आधा पोर्शन ऊपर की तरफ. सो द बॉडी फ्लोट्स पार्शियली सबमर्ज व्हेन डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. जब इस बॉडी की डेंसिटी किससे कम होगी, इसकी डेंसिटी लेस होगी लिक्विड की डेंसिटी से, तो ये पार्शियली सबमर्ज हो जाएगा इसके अंदर. सो दस अ बॉडी ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिंक्स इनसाइड द लिक्विड व्हाइल अ बॉडी इज डेंसिटी इक्वल. इन सबसे आपको सिर्फ इतना पता लगेगा कि अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा. पहले केस में बॉडी की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा, नीचे आ जाएगा. अगर बॉडी की डेंसिटी जो है सेकंड केस में आपको कि अगर बॉडी सेकंड केस में आपको ये कहता है कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल है डेंसिटी सॉरी जब लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जस्ट सरफेस के नीचे रहेगा. और थर्ड केस में ये है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है डेंसिटी ऑफ सॉलिड उसकी कम है डेंसिटी किससे, लिक्विड की डेंसिटी से, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पार्शियली सबमर्ज हो जाएगा. ये थ्री केसेस हैं जो आपको फ्लोटेशन को डिफाइन करते हैं कि कब ऑब्जेक्ट, क्यों ऑब्जेक्ट सरफेस के बिल्कुल बॉटम में चला जाता है, क्यों ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर फ्लोट करता है, क्यों पार्शियली सबमर्ज होता है. इसके तीन केसेस किससे टोटली रिलेट हैं, डेंसिटी से रिलेट हैं. आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में पता होगा, पता चल जाएगा कि दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा बायंट फोर्स. और ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, फ्लोटेशन क्या है, सिंकिंग क्या है, ये सारी कैटेगरी आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा.